हाय फ्रेंड, मैं सुरेंद्र कुमार चौहान सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसकेसी टेक्निकल पे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो और बेल के घंटी को प्रेस कर लो ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपको जो है अपडेट मिल जाए। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि डाटा चोरी कौन लोग करते हैं, हैकर लोग ज़्यादा करते हैं। तो हैकर से बचाने के लिए हम लोग बहुत से उपाय ढूंढते रहते हैं, यूट्यूब पर ढूंढते हैं और बहुत से ऐसे जगह प्लेटफार्म है जो आप डाटा चोरी होने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो डाटा चोरी जो है दोस्तों हैकर लोग करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, डाटा चोरी हैकर लोग करते हैं और उसका गलत उपयोग वो लोग करते हैं। तो डिजिटल ज़माना हो गया दोस्तों, तो डिजिटल तरीक़े से जो है डाटा चोरी हो रहा है। तो इसको बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए और दोस्तों इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि इस आप किस प्रकार से जो है अपना डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि डाटा चोरी होने से पहले आपको बचाना कैसे है, अपना रखरखाव कैसे करना है। तो दोस्तों आप जो है डाटा चोरी होने से बचना चाहते हैं, आप तो मोबाइल यूज़ करते ही हैं, लेकिन मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल में अपना जो जितना है पर्सनल जानकारी है सब रखते हो। पर्सनल जानकारी जैसे कि हम लोग कोई मान लो एप्लीकेशन रखते हैं, उस एप्लीकेशन में अपना पूरा डिटेल डाल देते हैं, ईमेल डाल देते हैं, अपना पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन करते हैं, ठीक है। और जो है बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट भी हम लोग मोबाइल पे रखते हैं, अपने मोबाइल पे रखते हैं और बहुत से पर्सनल डाटा जानकारी हम लोग मोबाइल पे रखते हैं, ठीक है। और दोस्तों समझने वाली बात है, थोड़ा समझना, क्या है कि हम लोग मोबाइल में सब कुछ रखते हैं और जो है हैकर चंद सेकंड में, चंद मिनट में जो है चुरा लेते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। बस जो है दोस्तों अभी ज़माना बदल गया है, डिजिटल तरीके से चोरी हो रहा है। डिजिटल ज़माना है तो डिजिटल तरीके से चोरी होता है और हो रहा है। तो आप लोग इसको कैसे बच सकते हैं, बचने के लिए उपाय बता रहा हूँ दोस्तों। वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए, तब आपको पूरी समझ आएगा। जब आपका डाटा पर्सनल जानकारी चोरी होता है, जैसे कि दोस्तों हम लोग अदर एप्लीकेशन जैसे कि प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं रहता है एप्लीकेशन और उस एप्लीकेशन को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो एप्लीकेशन क्या करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन में क्या होता है कि वो जो है डाटा लीक करता है, मतलब जो है वो डाटा को इकट्ठा करता है, उसका सेकंड कुछ मिनट रहता है, उसका टाइम रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है और उस एप्लीकेशन को बनाने वाला कोई हैकर रहता है, हैक करने वाला रहता है। वो चाहता है कि इसको फैलाया जाए और जो है डाटा इकट्ठा किया जाए और इसी प्रकार से आपका डाटा चोरी होता है। ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं दोस्तों, जैसे कि व्हाट्सएप पे आता है, एग्जांपल के लिए बता दूं आपको, एग्जांपल के जैसे कि जियो में आपको 365 रुपये का रिचार्ज फ्री होगा, व्हाट्सएप पे चल रहा है अभी मैसेज। तो क्या होता है, 365 का रिचार्ज आपको फ्री में मिलेगा, उसके बाद नीचे लिंक रहता है एक, जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं आपका पर्सनल डिटेल्स मांगा जाता है, ईमेल आईडी मांगा जाता है, मोबाइल नंबर मांगा जाता है, उसमें आप पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो। लेकिन जैसे ही लॉगिन करते हो उसमें दोस्तों आपको कहा जाता है कि 10 लोगों को और शेयर करो तब आपको 365 रुपये का रिचार्ज होगा या 399 का रिचार्ज होगा, इस प्रकार से कुछ मैसेज आता है व्हाट्सएप पर। ये दोस्तों ये पूरा फेक मैसेज रहता है। उसमें देखो दोस्तों, चोरी जब होता है तो उसमें डाटा आपका चोरी होता है, उसी में डाटा लीक होता है, आप पर्सनल डिटेल आपका उसी में लीक हो जाता है और जो है पूरा आपको हैकर उसको पता कर लेता है, जानकारी मिल जाता है उसको, इस प्रकार से दोस्तों डाटा चोरी होता है। थोड़ा समझना दोस्तों, इस प्रकार से चोरी होता है तो उसमें वो क्या उपयोग करता है, वो कुछ भी कर सकता है, हैकर है भाई, हैकर लोगों का कुछ उनको क्या बिगाड़ोगे, वो तो हैक कर लेगा। जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आपको उसी ईमेल आईडी से अब जब कुछ वेबसाइट पे आप जाते हो और जो है उस वेबसाइट पे जाके अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हो, उसको तो पता हो जाएगा ना, हैक कर लेता है। हैक करने के बाद दोस्तों वो अपना आपका यूट्यूब चैनल को भी हैक कर लेगा, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड तो उसको मिल गया। मान लो बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है आपका, तो वो यूट्यूब गया फिर। तो इस प्रकार से जो है मैसेज पे ध्यान न दें और जो है उससे बच के रहें।
चलो चलते हैं दोस्तों, बताते हैं आपको एप्लीकेशन के बारे में, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं जो प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं रहते हैं फिर भी आप उसको यूज़ करते हो, इसके बारे में बताते हैं आपको। तो बता दें दोस्तों, जैसे कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, जैसे इंस्टॉल करते हो दोस्तों आपको कुछ परमिशन मांगता है, हर एप्लीकेशन परमिशन मांगता है, ये नहीं कि कोई मतलब प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन रहता है वो अब परमिशन नहीं मांगता है, लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मीन्स थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप किसी के लिंक से, मान लो आपके दोस्त ने जो लिंक शेयर किया आपके पास, उसके बाद उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल भी कर लिए, ठीक है, तो आपके दोस्त तो एप्लीकेशन बनाया नहीं है, ना ही वो उसका डेवलपर है, ना उसने बनाया है, वो भी कहीं से किसी से लिंक से इंस्टॉल किया होगा, तो आप इस प्रकार से एप्लीकेशन से बच के रहें दोस्तों। जैसे परमिशन मांगते हैं, आप जो है बिना सोचे समझे, बिना देखे ताकि जांच पड़ताल के आप अलाउ का ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, उसमें क्या क्या मांगता है, आपका फ़ोन कॉन्टेक्ट पूरा सब चीज़ें का उसमें अलाउ का ऑप्शन अलाउ करना पड़ता है आपको मजबूरी में, जैसे अलाउ नहीं करते तो एप्लीकेशन चल नहीं पाती है, तो आपको इस प्रकार थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बच के रहना है। जैसे अलाउ करते हैं आप लोग, अलाउ करते हैं तो अलाउ करने के बाद जो है वो पर्सनल डिटेल जितना भी आप उसमें रहेगा फ़ोन में दोस्तों, सबको जितना भी पर्सनल डिटेल जानकारी है आपका, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते ही, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते ही, उसमें परमिशन देते ही आपका जो पर्सनल डिटेल जितना भी रहेगा फ़ोन में सब उसको लीक करेगा, तो आप इस प्रकार से एप्लीकेशन इस प्रकार के साइट से बच के रहना है आपको। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, और कोई मन में सवाल हो तो कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।